मामला है। सुप्रीम कोर्ट में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलविस फौजी अफसरान की सजाए बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिनहास और कर्नल रिटायर्ड अनायतुल्ला की सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी हैं। बताइएगा इकरामुल्ला जोया। कोर्ट में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलविस फौजी अफसरान की सजाएं बरकरार हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल रिटायर आजाद मिनहास और कर्नल रिटायर अनायतुल्ला की सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी हैं। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आजाद मिनहास को 2, अनायतुल्ला को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफी की सजा सुनाई थी। दोनों साबिक फौजी अफसरान के खिलाफ 1995 में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्ट करने की साजिश के इल्जाम जो हैं वो आए थे और इस हवाले से कार्रवाई की गई थी और 15 फरवरी को किया गया। ऐसा जस्टिस मुनीब अख्तर ने पढ़कर सुनाया है और लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्त मुस्तरद होने के बाद दरखास्त गुजार ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। बहुत शुक्रिया इकरामुल्ला जोया, तफसीलात से आगाह करेंगे।